स्पाइसी सा चिली मशरूम बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपने मशरूम लेना है, और मैं क्या करता हूँ कि मशरूम का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको निकाल लेता हूँ, और अगर मेरी तरह आपके मशरूम में थोड़ा सा कंपोस्ट लगा हुआ है या थोड़ी सी गंदगी है तो उसको साफ करना बहुत आसान है दोस्तों। आप थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना और उसको हल्का से ऐसे रगड़ देना। ऐसे मैंने यहाँ पर एक एक मशरूम कर दिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर गर्म गर्म पानी से मशरूम को अच्छे से धो दिया है। आप पानी में ध्यान से देखो, छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आपको दिख रहे होंगे। इसको और अच्छे से साफ करने के लिए आप मशरूम को नॉर्मल पानी से एक बार जरूर धो देना। अच्छा, मैं ये करता हूँ कि चिली मशरूम बनाने के लिए जो मीडियम साइज का मशरूम होता है उसको सिर्फ और सिर्फ हाफ में डिवाइड करता हूँ। अगर मशरूम का साइज छोटा है तो आप उसको बिल्कुल भी मत काटना, और अगर बड़ा बड़ा मशरूम है, काफी बड़ा साइज है, तो उसको चार पार्ट में आराम से कर देना। दोस्तों, अब ये बात याद रखना कि मशरूम के अंदर पानी बहुत होता है, और फ्राई करने के बाद वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि मशरूम की जो कटिंग करनी है, जो साइज रखना है, वो थोड़ा बड़ा ही रखना है। ऐसे मैंने तीनों में डिवाइड कर दिया है, जो चार पार्ट, दो पार्ट और पूरा पूरा मशरूम। सीधा ही आप आधा किलो मशरूम को एक बोल में डालना, और इसमें एक बढ़िया सी मैरिनेशन चढ़ा देना, जिसमें कि अदरक लहसुन का पेस्ट हो, फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च हो और नमक हो। ये सारी चीजें आप अच्छे से मिला देना, और मशरूम के ऊपर ना एक बढ़िया सी खुशबू वाली कोटिंग हो जाएगी। 5 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ देना, और फिर इसके ऊपर एक लेयर सी चढ़ा देंगे बैटर की। वो कैसे? बेसिकली आप यहाँ पर थोड़ा सा अरारोट, लगभग 3 टेबलस्पून, और 3 टेबलस्पून मैदा, ये यहाँ पर डाल देना। और रंग के लिए मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा तेल, और पानी डालकर इसका एक घोल सा बना दिया है। ध्यान रखना दोस्तों कि बहुत थिक बैटर मत चढ़ाना मशरूम पे, ठीक ठीक बैटर होना चाहिए। उसका काम सिर्फ मशरूम को क्रिस्पी रखना है। और ये सब करने के बाद मैंने मशरूम को साइड किया, और मैंने यहाँ पर सारी कटिंग चॉपिंग कर ली है। मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है, उसके बल्ब निकाल लिए हैं, साथ में शिमला मिर्च है और हरे प्याज का वाइट पार्ट है, और दूसरी प्लेट में मैंने यहाँ पर हरे प्याज का ग्रीन पार्ट रखा है, हरी मिर्चें रखी है, धनिया है, भर के मैंने अदरक और लहसुन ली है एकदम फ्रेश कटी हुई। और उसके साथ साथ आप एक स्लरी बना लेना, बेसिकली पानी में एक बड़ा चम्मच अरारोट डाल देना, और ये सारी चीजें आप तैयार करके रख लेना। तो फटाफट से आप मशरूम को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करना तो सिंपल है, आप यहाँ पर टूथपिक से आराम से एक एक मशरूम को ड्रॉप कर सकते हो एकदम गरम गरम तेल में। लेकिन जो पहली फ्राइंग है वो आप गरम तेल में तो करना, लेकिन मीडियम फ्लेम पर करना, ताकि कोटिंग जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। अभी कोटिंग को क्रिस्पी नहीं कर रहे हम सिर्फ सेट कर रहे हैं। तो हल्का सा जैसे ही रंग चढ़ जाएगा ना कोटिंग पे, और कोटिंग सेट सी हो जाएगी, तो वैसे ही मैंने मशरूम को बाहर रख दिया है लगभग 5 मिनट के लिए, ताकि थोड़े से सेट हो जाए। अभी आप देख ही सकते हो कि फर्स्ट फ्राइंग के बाद जो मशरूम की कोटिंग है वो हल्की सी नरम हो गई है। उतनी देर में मैंने यहाँ पर कढ़ाई को एकदम हाई फ्लेम पर रखा था, और तेल को एकदम गरम कर लिया है लगभग 200 डिग्री के आसपास। गरम गरम तेल में अब आपने क्या करना है कि इनको फ्लैश फ्राई करना है। इससे स्टार्च जो है वो एकदम सेट हो जाते हैं, एकदम क्रिस्पी बनकर आते हैं। और रेस्टोरेंट में भी जब मंचूरियन या कुछ भी बना रहे हो, एक बारी फ्लैश फ्राई कर लिया जाता है, ताकि उनकी कोटिंग एकदम करारी सी हो जाए। मैंने यहाँ पर जानबूझ के इनको एक छाननी में निकाला है, ताकि हवा से ये करारे रहें, ऐसा ना हो कि सॉफ्ट हो जाए। अगर आपके पास एक बढ़िया सा चाइनीज वॉक है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो घर की जो सबसे पतली कढ़ाई होगी उसका आपने इस्तेमाल करना है, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन ये मेरी ट्रीटमेंट जरूर करना कि तेल को आप अच्छे से गर्म करना, और एक एक कोने तक कढ़ाई के पहुंचा देना, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अब बस एकदम हाई फ्लेम पे गरम गरम तेल में आप यहाँ पर सबसे पहले लहसुन डालना, लहसुन में हल्का सा रंग आ जाएगा बहुत जल्दी, 10 सेकंड में ही आ जाएगा। फिर अदरक डालना, और प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, हरा प्याज का वाइट पार्ट सब यहाँ पर डाल देना। इसको आपने सिर्फ 30 सेकंड तक टॉस करना है, ज्यादा बिल्कुल मत पकाना दोस्तों, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। और फिर फटाफट से आप यहाँ पर सोया सॉस, टमाटो केचप, चिली सॉस, ये सारी चीजें डाल देना। नमक, चीनी, अजीनोमोटो अगर आप डाल रहे हो तो वो भी इसी टाइम पर डालना। और क्या करना कि इन सॉसेस को आप पकाना। हम क्या करते हैं कि हम पकाते नहीं है इनको, बस ऐसे ही डालकर पानी डाल देते हैं। अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालना है, लगभग 1/4 कप के आसपास, और उसके साथ साथ आप यहाँ पर फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च डालना, एकदम फ्रेश और एकदम भर के डालनी है। बस इसको अच्छे से स्टर करके अब मैंने यहाँ पर अरारोट वाली स्लरी डाली है, और कुछ ही सेकेंड्स में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। ये देखो आप, हो गया ना। ध्यान रहे, अगर आप पतली पतली सॉस में
मशरूम डाल दोगे तो उसकी सारी कोटिंग वैसे ही निकल जाएगी। अगर आप गाढ़ी सॉस में मेरी तरह डालोगे तो वो कोटिंग लपेटेगी मशरूम को। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है दोस्तों। हरा प्याज और धनिया जरूर डाल देना और सारी चीजों को अच्छे से मिला देना। एंड दैट्स इट। बस मैंने यहाँ पर सेसमी सीड्स डाले हैं और चिली मशरूम बन के पूरा तैयार है। बहुत ही सॉसी लगता है दोस्तों और बहुत ही टेस्टी लगता है। खाने में सच में आपको मजा ही आ जाएगा और रेस्टोरेंट से बिल्कुल भी कम नहीं होगा। आप इसको जरूर बनाकर देखना इस ठंड में, सबको घर पे बहुत पसंद आएगा।